हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को कैलाश पर्वत का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि महादेव अपने पूरे परिवार और अन्य समस्त देवताओं के साथ कैलाश में रहते हैं। कई लोग माउंट एवरेस्ट जैसे पर्वतों पर चढ़ चुके हैं, लेकिन कोई कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया? आखिर ऐसा क्या है उसमें? आइए उनके पीछे का रहस्य बताते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत ही महत्व है, क्योंकि भगवान शिव का निवास माना जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक क्यों नहीं चढ़ पाए? कि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम है, यानी 6,638 मीटर है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसलिए कोई जीवित इंसान वहाँ ऊपर नहीं पहुँच सकता। मरने के बाद जिसने भी कोई पाप ना किया हो, वही कैलाश पर्वत पर फतह हासिल कर सकता है। अभी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। बिना दिशा के चढ़ाई करना यानी कि मौत को दावत देना है, इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, उसने अपना अनुभव बताया कि उसके जबड़े मांसपेशियां खिंचने लगती है, जीभ जम